हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन ऑनलाइन टीचिंग। तो बच्चों, हम फोर्थ स्टैंडर्ड का मैथ्स देख रहे थे, चैप्टर नंबर 6। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि वो जो वुमेन थी, क्या नाम था उसका, किरण, उसकी स्टोरी हम देख रहे थे, जो थी एक जंक सेलर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो आगे का जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, सी हियर इज अ ब्लू कलर बॉक्स। यहाँ पे एक ब्लू कलर का बॉक्स गिवन है, उसमें क्या है देखो, वो है रेड लिस्ट। रेड लिस्ट पता है आपको, आप किसी भी शॉपिंग करने के लिए शॉपिंग मॉल में जाते हो या किसी भी दुकान में जाते हो तो वहाँ पे एक रेड लिस्ट रहती है। ओके स्टूडेंट, वैसे ही यहाँ पे एक रेड लिस्ट गिवन है। तो चलिए देखते हैं क्या है। काइंड ऑफ जंक, प्राइस ऑफ 1 kg। देखो वो जो जंक सेलर थी, वो जंक लेती थी और बड़े शॉप में सेल करती थी। तो यहाँ पे देखो किस टाइप का जंक है। सबसे पहला, फर्स्ट वाला है वेस्ट पेपर, जो रद्दी पेपर रहते हैं ना, वेस्ट पेपर वो। उसके बाद सेकंड है न्यूज़पेपर पता है आपको, हाँ। थर्ड है आयरन यानी लोहा। ओके, फोर्थ है ब्रास, उसके बाद प्लास्टिक। ओके स्टूडेंट, और उनका जो प्राइस पर केजी रेट है, देखो वेस्ट पेपर का पर केजी 4 rupees है, यानी 4 rupees पर केजी उस वेस्ट पेपर का रेट है। उसके बाद न्यूज़पेपर कितने रुपए किलो है, 5 rupees पर केजी। ओके, उसके बाद है आयन है 12 rupees पर केजी। उसके बाद ब्रास है 170 rupees पर केजी। उसके बाद है प्लास्टिक 10 rupees पर केजी। नाउ हियर आर सम क्वेश्चंस आर गिवन। ओके, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है वो हमें सॉल्व करने हैं। तो देखते हैं सबसे पहले वाला क्वेश्चन, हाउ मच विल किरण पे फॉर 42 kg न्यूज़पेपर। देखो वो जो किरण है उसको 42 kg न्यूज़पेपर खरीदने हैं तो वो कितने रुपए पे करेगी। देखो न्यूज़पेपर की रेट कितना है पर केजी, 5 rupees पर केजी। तो हमें 42 kg का निकालना है तो सब क्या करना होगा, 42 को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा इनटू 5। क्या आएगा देखो, 5 to the 10, 10 में के 0 यहाँ, 1 कैरी, 5 for the 20, 20 और 1, 21। देखो तो उसको इतने रुपए पे करने होंगे, कितने हैं वो, आरएस 210। ओके स्टूडेंट्स, सी द नेक्स्ट इज ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ, ये भी हमें निकालने हैं। क्या क्या निकालने हैं देखो, ए वाला है 22 kg ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक 22 kg प्लास्टिक का सबसे पहले रेट देखो 10 rupees पर केजी है। तो 22 kg प्लास्टिक खरीदने के लिए उस किरण नाम के वुमेन को कितने रुपए पे करने होंगे। तो क्या करना होगा, 22 into 10। देखो 10 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, 10 to the 20, 20 के 0 यहाँ, 2 बी द कैरी, 10 to the 20, 20 और 2, 22। आंसर क्या आया, आर एस 22 rupees। देखो उसके बाद है 23 kg ऑफ वेस्ट पेपर। 23 kg वेस्ट पेपर पे खरीदने के लिए उसको कितने रुपीस पे करने होंगे। पहले देखो जो वेस्ट पेपर है उसका रेट कितना है, 4 rupees पर केजी। करो मल्टीप्लाई 23 into 4, 4 3 12, 12 में के 2 यहाँ, 1 कैरी,
फोर टू जा एट, एट और वन नाइन, तो उसको 92 रुपीस पे करने होंगे। उसके बाद क्या है, आयन देखो, 12 केजी आयन का हमें अमाउंट निकालना है। पहले रेट देखो, आयन का रेट कितना है, 12 रुपीस पर केजी। अब देखो 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 टू जा 24, 4 यहाँ पे, 2 बी द कैरी, 12 वन जा 12 और 2 14, यानी 144 रुपीस उसको पे करने होंगे। किसके लिए, 12 केजी आयन खरीदने के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अब देखो स्मार्ट किरण क्या है, स्टोरी देखो। स्मार्ट किरण सेज द जंग, देखो वो जो किरण नाम की वुमेन थी, औरत थी, वो क्या करती थी, जंग सेलर से, जंग जो कलेक्ट करने वाले लोग रहते हैं उनके पास से वो जंग लेती थी कम रेट में, और वो बड़े शॉप पे वो ज्यादा रेट से सेल करती थी, बेचती थी। तो वो कैसे, देखो किरण सेल्स हर जंग टू अ बिग शॉप, वो जो कलेक्ट हुआ जंग वो क्या करती थी, बिग शॉप में सेल करती थी। शी चेक्स द प्राइस ऑन हर मोबाइल फोन एंड सेल ओनली व्हेन शी गेट अ गुड प्राइस। वो देखो सबसे पहले क्या करती थी, उसके मोबाइल फोन में वो प्राइस देखती थी, जब प्राइस अच्छे प्राइस हो तभी वो जंक सेल करती थी। ओके स्टूडेंट्स, देखो आगे क्या है, टुडे सी हैज गोन टू सेल प्लास्टिक, न्यूज़पेपर, आयन, ब्रास एट दिनूज बिग शॉप। आज क्या किया उसने, वो गई थी कहाँ पे, दिनू के बड़े शॉप पे, किस लिए, सेल करने के लिए। कौन कौन सी चीज़ें, प्लास्टिक, न्यूज़पेपर, आयन एंड ब्रास, ये चीज़ें वो सेल करने के लिए दिनू के शॉप पे गई थी। दिनू वे 32 केजी आयन, 4 केजी ब्रास, 152 केजी न्यूज़पेपर, 63 केजी प्लास्टिक। दिनू ने क्या किया, वो जो किरण ने जंक लाया था वो उसने वे किया, मापा। देखो आयन कितने किलो था, वो 32 केजी, ब्रास 4 केजी, न्यूज़पेपर 152 केजी एंड प्लास्टिक 63 केजी। ओके, आगे देखो क्या हुआ, हाउ मच विल दिनू पे फॉर 63 केजी प्लास्टिक। अब देखो दिनू की जो शॉप थी उसकी रेट लिस्ट यहां पे गिवन है, दिनूज रेट लिस्ट देखो, काइंड ऑफ जंग, प्राइस ऑफ 1 केजी, 1 किलो का प्राइस उस जंग का। सबसे पहले न्यूज़पेपर है 6 रुपीज पर केजी, आयन है 14 रुपीज पर केजी, ब्रास है 180 रुपीज पर केजी, और प्लास्टिक है 12 रुपीज पर केजी, एंड लास्टली वेस्ट पेपर 4.5 यानी 4.5 रुपए पर केजी। ये दिनू की प्राइस लिस्ट है। ओके, तो देखो आगे क्या हुआ, द रेट ऑफ 1 केजी प्लास्टिक इज 12 रुपीज, 1 किलो प्लास्टिक का रेट कितना है, 12 रुपीज, सो द कॉस्ट ऑफ 63 केजी प्लास्टिक विल बी। अब देखो 1 किलो प्लास्टिक के लिए 12 रुपीज लगेंगे, तो 63 केजी प्लास्टिक के लिए कितने रुपए लगेंगे वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो 12 इंटू 63 करो, उसके बाद आपको आंसर फाइंड आउट होगा। देखते हैं आंसर कैसे फाइंड आउट किया है, क्या है, रिमेंबर यू यूज बॉक्स टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स इन क्लास थर्ड। देखो आपने क्लास थर्ड में टू बॉक्स, कई सारे बॉक्स आपने यूज किए होंगे,
लाइक एज, देखो यहाँ पे एक बॉक्स गिवन है, इस तरह से आपने मल्टीप्लाई किया होगा। सबसे पहले 63 को स्प्लिट किया, उसके बाद 12 को स्प्लिट किया होगा। 63 कैसे लिखोगे, 60 प्लस 3, ये यहाँ पे 60, यहाँ पे 3। 12 को कैसे लिखा, 10 और 2, उसके बाद 60 और 10 को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 60 और 2 को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 3 और 10 को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया। तो ये जो 4 आंसर आए थे, 1, 2, ये और ये, इन सब को ऐड करने के बाद आपको आंसर मिलेगा। वो कैसा, देखो यहाँ पे दिनू ने ऐड किया है, वो दिनू एडेड द नंबर्स इन द बॉक्स। देखो वो जो बॉक्स में नंबर थे वो नंबर उसने ऐड किए, 600, 120, 30 एंड 6। टोटल एडिशन कितनी आ गई, 756। तो देखो ऐसे उसको कितने रुपए लगेंगे 63 केजी प्लास्टिक खरीदने के लिए, 756 रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, आगे क्या है देखो, किरण बॉट 1 केजी प्लास्टिक फॉर RS 10 बट सोल्ड 1 केजी प्लास्टिक फॉर 12। अब देखो यहाँ पे एक मैजिक है, क्या किरण ने क्या किया, देखो 1 केजी प्लास्टिक कितने रुपए को खरीदा था, 10 रुपीज को, लेकिन उसने बेचा यानी सोल्ड किया कितने रुपए को प्लास्टिक सोल्ड किया उस दिनू के शॉप पे, 12 रुपीज पर केजी। हाउ मच मनी डज शी अर्न ऑन सेलिंग 1 केजी प्लास्टिक। अब देखो 1 किलो प्लास्टिक पे उसने कितने पैसे कमाए, कितने रुपए कमाए, देखो 10 को खरीद लिया, 12 को बेच दिया, यानी 12 में से 10 निकाल माइनस कर दो, क्या आएगा आंसर, आएगा 2। तो 2 रुपए उसने 1 केजी प्लास्टिक यानी 1 केजी प्लास्टिक पे कमाए, अर्न किए। सो हाउ मच मनी डज सी अर्न फॉर 63 केजी। तो इस तरह से उसने 63 केजी प्लास्टिक पे कितने रुपए कमाए। अब 1 किलो पे कितने कमाए उसने, 2 रुपए, तो 63 किलो प्लास्टिक पे कितने रुपए कमाए, तो उसको कैसे निकालना है, देखो 63 × 2 करो, क्या आएगा देखो, 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12, क्या आया आंसर, 126। इतने रुपए उसने कमाए किस पे, 63 केजी प्लास्टिक पे। ओके आगे क्या है देखो, किरण सेल्स 32 केजी आयन। अब पहले प्लास्टिक बेचा, उसके बाद उसने आयन सेल किया था। ओके हाउ मच मनी विल दिनू पे फॉर 32 केजी आयन। देखो अब यहाँ पे स्टोरी कहाँ पे है, किरण दिनू के शॉप पे गई है उसका जो जंग था वो सेल करने के लिए, तो दिनू को 32 केजी आयन खरीदने के लिए कितने रुपए उस किरण को देने होंगे। यहाँ पे देखो दिनू की प्राइस लिस्ट पहले देखो, आयन है, आयन कितने रुपए किलो है, 14 रुपीज केजी पर केजी। ओके तो 32 केजी उसको खरीदने के लिए कितने रुपए देने होंगे, कर लो मल्टीप्लिकेशन, 32 × 14। अब देखो मल्टीप्लिकेशन करना है, देखो कैसे करोगे, देखो पहले 4 से मल्टीप्लाई करो 32 को, 4 × 8 आ गया 8, 4 × 3 = 12 लिख लो, हो गया। उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 × 2 ऐसे क्रॉस करो, 1 × 2 1 × 3 = 3, कर लो एडिशन,
एट एज इट इज, उसके बाद टू और टू कितने फोर, उसके बाद वन और थ्री फोर, क्या आया आंसर? उसको दिनों को, उसको यानी दिनों को कितने रुपए पे करने होंगे? 448 रुपीस। किसको? किरण को। अब देखो आगे क्या है, किरण बाइज 1 kg आयरन फॉर RS 12 बट सेल्स इट फॉर 14। देखो किरण ने क्या किया था, 1 kg आयरन 12 रुपए में खरीदा था, लेकिन उसने सेल किया कितने रुपए में? 14 रुपीज में उसने सेल किया, यानी 14 रुपए को वो सेल किया। सो हाउ मच डज शी अर्न व्हेन शी सेल्स 32 kg आयरन? अब देखो यहाँ पे उसने 32 kg आयरन सेल किया, तो 1 kg पे कितने रुपए उसने अर्न किए यानी मिलाए कमाए? 14 - 12 आंसर इज 2। 1 kg पे उसने 2 रुपए कमाए, तो वैसे ही 32 kg आयरन पे कितने रुपए कमाए? कर लो मल्टीप्लीकेशन, 32 × 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। तो उसने 32 kg आयरन पे 64 रुपीज कमाए। ओके स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ में? मल्टीप्लीकेशन की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। अब देखो क्वेश्चन सी, व्हाट विल दिनू पे फॉर 152 kg न्यूज़पेपर? अब देखो 152 kg न्यूज़पेपर खरीदने के लिए दिनू को कितने रुपए उस किरण को पे करने होंगे? द रेट ऑफ 1 kg न्यूज़पेपर इज 6 रुपीज। देखो 1 kg न्यूज़पेपर की कीमत कितनी है? 6 रुपीज। सो द कॉस्ट ऑफ 152 kg न्यूज़पेपर इज, देखो अब 152 kg न्यूज़पेपर की कीमत कितनी होगी, प्राइस कितनी होगी? इंटू 6 से मल्टीप्लाई कर लो। देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन किया हुआ है बॉक्स में, देख रहे हो टोटल आंसर आ गया 600, 312। एडिशन यहाँ पे किया गया है, देखो 600, 312, क्या आया आंसर? 912। इतने रुपए उसको पे करने होंगे। सो फॉर 152 kg न्यूज़पेपर ही विल गिव किरण 912 रुपीज। देखो तो इतना न्यूज़पेपर उसको खरीदने के लिए उस किरण को 912 रुपीज दिए उसने। ओके स्टूडेंट्स, आगे क्या है देखो, अब देखो क्वेश्चन डी है, व्हाट डज दिनू पे फॉर ब्रास? अब देखो ब्रास खरीदने के लिए क्या करना होगा उसको? हाउ मच मनी विल दिनू पे फॉर 4 kg ब्रास? अब देखो 4 kg ब्रास खरीदने के लिए दिनू को कितने रुपए पे करने होंगे उस किरण को? देखो सबसे पहले जान लेते हैं जो ब्रास है उसका प्राइस। देखो क्या है ब्रास की प्राइस कितनी है, 1 kg per 1 kg। देखो कहाँ है ब्रास, ये ब्रास देखो पर केजी 180 रुपीज पर केजी उसकी प्राइस है, तो 4 kg उसको लेने हैं तो क्या करना होगा हमें, 180 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, 180 × 4। देखो करो मल्टीप्लीकेशन, 400, 4 × 8 = 32, 32, 2 यहाँ पे 3 कैरी, 4 × 1 = 4, 4 और 3 = 7।
तो देखो कितने आंसर कितना आया अपना, 720। तो उस दिनों को 4 kg ब्रास खरीदने के लिए 720 रुपीज उस किरण को देने होंगे। ओके स्टूडेंट्स, सी नेक्स्ट व्हाट इज, आगे क्या है देखो। फर्स्ट गेस द आंसर एंड देन कैलकुलेट। अब देखो आपको क्या करना है, ये यहाँ पे कुछ मल्टीप्लिकेशन आपको पहले गेस करना है और उसके बाद वो सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट करना है। देखो ए वाला है 37 × 18, क्या गेस करो क्या होगा आंसर, नियर अबाउट, आसपास देखो नियर अबाउट 800 के आसपास होगा मुझे लगता है। अब फाइंड आउट कर लेते हैं, करो फाइंड आउट 37 × 18, करो मल्टीप्लीकेशन 8 × 7 = 56, 6 यहाँ पे 5 कैरी, 8 × 3 = 24, 24 और ये 5 कितने होते 29। उसके बाद 1 × 7 = 7, 1 × 3 = 3, देखो क्या आएगा आंसर 6। 9 और 7 कितने 16। ओके 16 का 6 यहाँ पे 1 कैरी, 1 और 2 = 3, 3 और 3 = 6, देखो क्या आया आंसर 666, यानी 666, ये आया ए क्वेश्चन का आंसर। आ गया समझ में स्टूडेंट्स? तो इस तरह से बाकी के जो क्वेश्चन है आपको करके देखने हैं, हम अगले वीडियो में उन सब का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।